सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे देश में से श्री कृष्ण भगवान जी के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिर। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के सभी मंदिर प्रसिद्ध हैं, लेकिन हम आपको 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर दोस्तों आप भी कान्हा जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी धार्मिक और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। पूरे भारत देश में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के अनगिनत मंदिर हैं जहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इनमें से कुछ मंदिर एकदम खास हैं। आइए दोस्तों जानते हैं उन पवित्र मंदिरों के बारे में जहाँ भगवान श्री कृष्ण खुद विराजते हैं। इनमें दोस्तों सबसे पहला है जगन्नाथ मंदिर। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। जगन्नाथ मंदिर की महिमा देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूर्व में बना जगन्नाथ मंदिर भारत में हिंदुओं के लिए 4 धामों में से एक है। यह धाम तकरीबन 800 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसी तरह मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है जिसको अगर आप किसी भी तरफ से देखोगे तो उसका फेस हमेशा आपको अपनी तरफ ही दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों इस मंदिर में अनेकों चमत्कार हैं जिसका आप अनुभव वहाँ जाकर ही कर पाएंगे। बात करते हैं अगले मंदिर की, जो है वृंदावन में श्री कृष्ण जी का एक खास मंदिर है दोस्तों, प्रेम मंदिर। वृंदावन का प्रेम मंदिर अत्यंत भव्य है। यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। रात के समय भी यहाँ भीड़ कभी कम नहीं होती। प्रेम मंदिर की सजावट एकदम खास तरीके से की गई है। रात के वक्त यह मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से चमकता रहता है जिसका रंग हमेशा बदलता रहता है। इसके बाद अगला मंदिर भी दोस्तों वृंदावन का है, जो है इस्कॉन मंदिर। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में राधे कृष्ण की प्रतिमा एकदम मनोहारी है। जो भी इन्हें देखता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर का निर्माण 1975 में किया गया था। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु झूमते गाते प्रभु की आराधना करते हैं। यहाँ विदेशी श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी तादाद आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की, जिसकी आरती विशेष रूप से दर्शनीय होती है। मंदिर में मुरली मनोहर की सुंदर मूर्ति विराजमान है और यह मंदिर पावन यमुना नदी के तट पर बनाया गया है। द्वारकाधीश मंदिर के पास यमुना नदी के उपघाट पर श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं और नौका विहार का आनंद भी लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला मंदिर राजस्थान में, जो है श्रीनाथ जी का मंदिर। राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर अपनी मूर्तियों के लिए ही जाना जाता है। माना जाता है कि मेवाड़ के राजा इस मंदिर में मौजूद मूर्तियों को गोवर्धन की पहाड़ियों से औरंगजेब से बचाकर लेकर आए थे और इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला मंदिर है बेंगलोर में, जो है बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर। बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिरों में शुमार किया जाता है और यह मंदिर साल 1997 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य दोस्तों वैदिक और धार्मिक संपदाओं को बढ़ावा देना था। इसके अलावा इस मंदिर में खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर विकलांग और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एलिवेटर भी लगाए गए हैं जिससे उनको सुविधा होती है। इसके बाद दोस्तों अगला मंदिर है गुजरात में। यह मंदिर गोमती नदी के किनारे दकोर के मुख्य बाजार के बीचों बीच बना है। इस मंदिर का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस मंदिर की संरचना 1972 में मराठा नोबल द्वारा की गई थी। इस मंदिर में 8 गुंबद और 24 पुर्ज हैं जो सोने से बने हुए हैं। इस मंदिर के साथ ही लक्ष्मी जी का एक मंदिर है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हर शुक्रवार के दिन भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के मंदिर में उनसे मिलने आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला मंदिर है चेन्नई में, अरुलमिगु श्री पार्थसारथी स्वामी मंदिर। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना हमेशा लगा रहता है। इस मंदिर में विष्णु भगवान की कई सारी मूर्तियां हैं जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। यह मंदिर देखने में जितना सुंदर है उतनी सुंदर दोस्तों इसकी मान्यताएं भी हैं। यहाँ से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले मंदिर के बारे में, जो है बालकृष्ण मंदिर हम्पी कर्नाटक में। कर्नाटक के हम्पी में स्थित बालकृष्ण मंदिर की संरचना बेहद अनोखे तरीके से की गई है। इस मंदिर का शुमार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज वेबसाइट में भी किया जा चुका है और इस मंदिर में बाल श्री कृष्ण विराजमान हैं। हमारे प्यारे बाल गोपाल जी का मंदिर दोस्तों काफ़ी खास है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे 10वें मंदिर की, जो है उडुपी की श्री कृष्ण मठ, जो कर्नाटका में है। कर्नाटक शहर में भगवान कृष्ण को समर्पित यह एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को 13वीं सदी में बनाया गया था।
इस मंदिर के पास मौजूद तालाब में पानी में मंदिर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। भक्ति के लिए यह मंदिर बेहद पवित्र माना जाता है और यहाँ हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यह मंदिर दोस्तों देखने में भी काफ़ी सुंदर है और लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये थी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध 10 मंदिरों की एक वीडियो। इसके अलावा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका भगवान श्री कृष्ण का सबसे फेवरेट मंदिर कौन सा है, जहां जाकर आपको शांति महसूस होती है और आपका वापस आने का भी मन नहीं करता। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।